वैसे वैजे भी नजर नहीं आ रही। वो अपनी किसी दोस्त के यहाँ गई है, बस आती होगी। अच्छा है अपनी किसी सहेली से मिलेगी तो दिल बहल जाएगा, वरना जितना बड़ा गम उसको मिला है ना इतनी छोटी सी उम्र में। अल्लाह किसी दुश्मन की बेटी को भी ना दिखाए। सही कह रही है मुर्गी, चुप लग गई थी मेरी बच्ची, शुक्र है थोड़ा घर से बाहर तो निकली। जाना अब कोई अच्छा रिश्ता देखना शुरू करो मैजबीन के लिए, कुछ लोगों से बात करो तभी अच्छा रिश्ता मिलेगा ना। बस ऐसे करो कि दोनों की शादी एक साल के अंदर अंदर हो जाए। जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंशाल्लाह अगले साल मैजबीन और मानूर दोनों की शादी साथ करवाएंगे। मानूर आ गए, कहाँ गई थी? वो मैं सोनिया के घर गई थी, अनिला आंटी घर पे नहीं थी ना इसलिए उसने बुलाया था। चलो बहुत अच्छी बात, अपनी सहेलियों से मिलोगी तो जरा दिल बहल जाएगा। आप ना बिला वजह लोगों को जज ना किया करें। अनिला आंटी जॉब करती हैं, घर चलाती हैं अपना, और पुराना मोहल्ला इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनका मालिक मकान उन्हें तंग करता था। अच्छा अब किस बहस में पड़ गए सब लोग? अम्मा भी जो बात करनी थी आप वो तो करें। मानूर बेटा परसों तुम्हारी मंगनी कर रहे हैं कासिम के साथ। अगर तुमने अपने किसी दोस्त को बुलाना हो तो बुला लेना, तुम्हारी खुशी में शरीक हो जाए। खुशी, इसे कहते हैं खुशी? मानूर, मानूर! अरे नहीं बेटा, पागल हो गई ये लड़की। इसे कुछ मत कहना, खैर से मंगनी हो जाए उसके बाद देखेंगे। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।